नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, जो साल 2022 के अक्टूबर मंथ की है, यानी कि लास्ट मंथ की। मैं लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं, जहां पर दोस्तों करीबन करीबन 54 साल बाद संपत्ति के असल मालिक ने अपनी प्रॉपर्टी पर क्लेम किया। और यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने यही चीज कही कि पार्टी अगर क्लेम करने के लिए देरी कर देती है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहां पर वो अपनी प्रॉपर्टी पर वापस क्लेम नहीं कर पाएगी। बेसिकली दोस्तों, वो जो संपत्ति का रियल ओनर था, उसको उसकी वो प्रॉपर्टी वापस मिल गई। अब आखिरकार केस के सर्कमस्टांसिस और फैक्ट्स क्या थे, क्योंकि दोस्तों अगर आप भी किसी जजमेंट को अपने केस से रिलेट करना चाहते हैं तो फैक्ट और सर्कमस्टांसिस जानने बहुत जरूरी होते हैं। तो केस के फैक्ट और सर्कमस्टांसिस क्या थे, ये सारी चीज हम डीपली आपको आगे वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहां पर आप लोगों के लिए रोजाना इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। जी हां, अब आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर, जो आप ये जजमेंट्स लाते हैं, अपडेट लाते हैं, इसका सोर्स क्या है। अब देखिए, ये तो मेरा सीक्रेट हो गया, बट आज मैं आप लोगों के साथ इस सीक्रेट को शेयर करने वाला हूं। जी हां, अनअकैडमी, यानी कि इंडिया का टॉप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पर दोस्तों अनेकों ऐसे बैच लॉन्च कर दिए गए हैं, जहां पर लॉ से रिलेटेड अपडेट, चाहे वो करंट अफेयर हुए, लेटेस्ट जजमेंट हो गई, या फिर आपकी जनरल नॉलेज हो गई, वो सभी आपको वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब आप लोगों को करना क्या होता है दोस्तों, आपको केवल डिस्क्रिप्शन में जाना है और मेरे इस कोड थे DWPAK2022 से उसको ज्वाइन कर लेना है, जहां पर अगर आप मेरे इस कोड से जब ज्वाइन करेंगे, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी वहां पर सब्सक्रिप्शन फीस में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी पर एक फ्री टेस्ट भी अब कंडक्ट कराया जा रहा है, जहां पर आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं, यानी कि आपको अपनी जेब से एक रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आप यहां पर अनेकों एक्साइटिंग प्राइस भी जीत सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर स्कॉलरशिप पा सकते हैं 100% सब्सक्रिप्शन फीस पर। इसके अलावा भी आप यहां पर टैबलेट्स और मोबाइल फोन जैसे एक्साइटिंग प्राइस जीत सकते हैं। तो दोस्तों, अब देर किस बात की, आप अभी जाकर अनअकैडमी को ज्वाइन करें और यहां पर अपना जुडिशियल ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें। अब दोस्तों, यहां पर हम अपनी जजमेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जजमेंट को समझने से पहले आपको आर्टिकल 65 और सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को क्लियरली तरीके से समझना होगा। देखिए, आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट यही चीज कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा है, यानी कि पोजेशन है, तो उसको वहां पर उस पोजेशन को खुद के पावर में लाने के लिए, खुद के पास लाने के लिए 12 सालों का जो समय होता है, उसके भीतर एक्शन लेना होता है। यानी कि जो संपत्ति का रियल ओनर है, उसके अगेंस्ट 12 सालों के भीतर कोई एक्शन लेना होता है। अगर वो 12 सालों के भीतर एक्शन नहीं लेता, तो सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत वो वहां पर अपना अधिकार खो देता है संपत्ति को रिकवर करने के लिए। यानी कि 12 सालों के बाद वो वहां पर अपना टाइटल उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड खो बैठता है। ये दोस्तों यहां पर सेक्शन 27 और आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर कहा गया है। अब दोस्तों, यहां पर इसी चीज से रिलेटेड जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यही चीज निर्धारित की कि अगर कोई स्टेट या फिर गवर्नमेंट किसी सिटीजन की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है या फिर उसे ऑक्यूपाई कर लेती है इलीगली तरीके से, तो ऐसी कंडीशन में जो वो सिटीजन है, अगर उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने में देरी भी कर देता है, इसके बावजूद उसका उस प्रॉपर्टी पर अधिकार बना रहेगा, बिकॉज यहां पर ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब देखिए, हमने अक्सर देखा है, या फिर हम अगर आर्टिकल 65 सेक्शन 27 की बात करें, तो 12 साल की समय सीमा प्रोवाइड कराई गई है किसी भी प्रॉपर्टी से कब्जा खाली करने के लिए। अब यहां पर इसी जजमेंट ने वहां पर यह चीज कह दी है क्लियरली कि अगर 12 साल से ज्यादा का समय भी डिले हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टेट है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो सिटीजन को उसकी प्रॉपर्टी वापस लौटाएगी ही लौटाएगी। वो यहां पर इस चीज को नहीं कह सकती कि सिटीजन ने वहां पर क्लेम करने के लिए डिले कर दिया, यानी कि 12 साल का जो समय था उसको एक्सीड कर दिया। देखिए दोस्तों, अब इस जजमेंट को और क्लियरली समझने के लिए आपको केस के फैक्ट्स पता होने बेहद जरूरी है। देखिए, साल 1958 के अंदर, जहां पर जो पिटिशनर के फादर थे, उनके साथ जो गवर्नमेंट का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसने एक ओरल लीज की। देखिए, दोबारा से सुने, मैं यहां पर
ओरल लीज की बात कर रहा हूं, कोई रिटर्न में लीज नहीं की गई। जब ये 1998 में ओरल लीज पिटिशनर के फादर के साथ की गई तो उसके बाद से लेकर आज तक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कोई भी रेंटल इनकम उनको नहीं दी, यानी कि कोई भी रेंटल इनकम ना ही पिटिशनर को ना ही उनके पिता को यहां पर पे की। इसके अलावा यहां पर दोस्तों ना ही कोई कंपनसेशन उस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया, ऐसा यहां पर पिटिशनर के द्वारा क्लेम किया गया था। इसके अलावा पिटिशनर का कहना था कि जब उनके फादर की डेथ हुई उस समय वो माइनर थी, यानी कि 18 साल की थी, ऐसी कंडीशन में वो इस चीज से ज्यादा अवेयर नहीं थी कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने उनकी इस प्रॉपर्टी को इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसकी वजह से वो वहां पर टाइमली एक्शन नहीं ले पाई और यहां पर 54 ईयर का बीच में ब्रेक आ गया, ऐसा यहां पर पिटिशनर की तरफ से क्लेम डाला गया था। अब दोस्तों यहां पर जो ये जजमेंट पास की गई थी ऑनरेबल जस्टिस संजीव कुमार एंड वसीम सादिक नरगल द्वारा पास की गई। अब दोस्तों यहां पर जो ये जजमेंट पास की गई, इससे पहले ये मैटर सिंगल बेंच वर्डिक्ट के सामने गया था, जिसने इस मैटर को डिसमिस कर दिया ये कहते हुए कि इस मैटर को कोर्ट के सामने लाने में 54 सालों की देरी कर दी गई, जो एक काफी लंबा समय होता है। बिकॉज दोस्तों अगर आप लिमिटेशन एक्ट पढ़े तो वहां पर 12 सालों के भीतर एक्शन लेना होता है और यहां पर तो 54 सालों की देरी हो गई, तो इस चीज को देखते हुए यहां पर इस मैटर को डिसमिस कर दिया। बाद में इस चीज के लिए अपील डाली गई अपर बेंच में, जहां पर यही चीज कही गई कि ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ऐसी कंडीशन में डिले और लैचिस का रीजन देते हुए किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन नहीं किया जा सकता। सरल भाषा में आप लोगों को बताऊं तो केवल यही चीज कहते हुए कि इन्हें 12 सालों से ज्यादा समय हो गया, सरकार ये चीज नहीं कह सकती, गवर्नमेंट ये चीज नहीं कह सकती कि हमारा इस प्रॉपर्टी पर अब एडवर्स पोजेशन एस्टेब्लिश हो चुका है, ऐसा यहां पर इस जजमेंट के अंदर क्लियर कर दिया गया दोस्तों। अब दोस्तों इस महत्वपूर्ण जजमेंट को पास करने से पहले यहां पर एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी, जहां पर विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहां पर इस जजमेंट में भी यही चीज की गई थी कि कोई भी स्टेट यानी कि कोई भी गवर्नमेंट अपने सिटीजन की प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकती इलीगली तरीके से, यानी कि एडवर्स पोजेशन का बहाना वहां पर नहीं लगा सकती। स्टेट एक वेलफेयर स्टेट माना जाता है बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ऐसी कंडीशन में स्टेट का अपने सिटीजन के प्रति एक यहां पर गुड फेथ होना चाहिए, ना कि वो उनकी प्रॉपर्टी को इलीगली ऑक्यूपाई करके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन का बहाना दे, ऐसा यहां पर विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर भी क्लियर कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों जो ये मैंने आज आपको जजमेंट दिखाई, यहां पर यह भी चीज निर्धारित की गई कि अगर प्रॉपर्टी पर क्लेम करने के लिए 12 सालों से ज्यादा समय निकल जाता है तो इसके बावजूद वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ डिले या फिर लैचिस का रीजन ना देते हुए प्रॉपर्टी को सरकार का नहीं कहा जा सकता एडवर्स पोजीशन के तहत, ऐसी कंडीशन में जो वो सिटीजन है उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है, तो यहां पर जो स्टेट है यानी कि जो वो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी बनती है कि प्रॉपर तरीके से या तो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करे, रिक्वायर करे, या फिर जो उनका कंपनसेशन अमाउंट बनता है वो उनको प्रोवाइड कराए। और आखिर में इस जजमेंट में भी यही फैसला किया गया कि जो इसका प्रॉपर कंपनसेशन अमाउंट बनता है या तो वो पार्टी को दिया जाए, नहीं तो जो जब से ये प्रॉपर्टी पोजेशन में ली गई है तब से लेकर आज तक जो भी इसकी रेंटल सोर्स ऑफ इनकम बन रही थी उसमें इंटरेस्ट के साथ वहां पर उस पार्टी को दिया जाए। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर एक बार और एडवर्स पोजेशन की हार हुई। इसके अलावा यहां पर हमें एक और एडिशनल बेनिफिट इस जजमेंट से मिला कि 12 साल से ज्यादा डिले होने के बाद, क्योंकि यहां पर 54 सालों का डिले था, इसके बावजूद प्रॉपर्टी पर क्लेम किया गया अगेंस्ट द स्टेट यानी कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और यह जजमेंट बहुत से लोगों की यहां पर अब हेल्प करने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को एक नंबर भी दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हैं।